नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आज मैं आप सभी को एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ, जो लोग स्विचवर्ड यूज करते हैं उनको टेक्निक नहीं पता। अलग अलग टेक्निक के माध्यम से वो जुड़ते हैं और उनको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। किसको यूज करना है, किस टेक्निक पे विश्वास करें, किसी से हमने स्विच वर्ड्स लिए, किसी से नहीं लिए, एनर्जीज नहीं है, क्या दिक्कत है, आज मैं वो तरीका बताने आपको जा रही हूँ। दो तीन तरीके बताऊंगी, कोई भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप सारे करना चाहते हैं तो सारे भी कर सकते हैं, वो टेक्निक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। स्विच वर्ड एक ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन है जिसे आप अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं। आप दिमाग पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए वो तरीका बताते हैं। हर स्विचवर्ड अपना एक हीलिंग कोड रखता है, वो हीलिंग कोड मैनिफेस्ट करता है पॉजिटिविटी को। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इन पे विश्वास रखते हैं। स्विचवर्ड को हम 28 बार 28 दिन तक लगातार फॉलो करने पड़ते हैं। एक बार में 28 बार फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम कानून होते हैं। स्विचवर्ड कोई भी आप यूज करते हैं उनको, वाटर चार्ज यदि आप कर रहे हैं तो वाटर चार्ज के माध्यम से भी कर सकते हैं, फूड चार्ज के माध्यम से, पेपर पे लिखकर कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विचवर्ड के साथ स्विच नंबर, जैसे ये मनी का नंबर है, आप इस ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विचवर्ड और स्विच नंबर दोनों हीलिंग कोड से दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपको एक का करना है या एक का नहीं करना है, आप दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैम हम स्विचवर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो वह रिलेशनशिप का भी लगा दिए, हाँ वो खिचड़ी मत कीजिए। अब तरीका क्या है, सपोज आपकी इंटेंशंस, आपके आइडियाज क्लियर नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर स्विचवर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अब आप इसको बोलेंगे कैसे, देन काउंट 7 टाइम्स, क्रिस्टल क्लियर, 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 आपने काउंट किया, देन अगेन क्रिस्टल क्लियर, 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 देन होल्ड। इस तरीके से 28 टाइम्स में 7 का आपने एक माध्यम ले लेंगे और इस तरीके से आप उसे 28 टाइम्स में काउंट करेंगे। काउंट जैसे आपने की आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप वापस से रिप्ले करें मैं क्या समझा रही हूँ। 28 बार में जो हमें एक स्लॉट लेना है, देन 7 टाइम का स्लॉट लेना, हर क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर, इस तरीके से हमने 7 टाइम्स एक बार में बोला, 28 टाइम्स बोलना है। समय, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी समय आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे पेन से लिख भी सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर देन होल्ड, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इस तरीके से बोलकर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, देन ड्रिंक द वाटर जो आपने किया है। अगर कुछ लोगों के पास सिंबल्स हैं, जैसे मनी के इश्यूज हैं, तो मनी के हम जैसे सिंबल्स दे रहे हैं, जैसे कि देखिए जीवू सिंबल हम दे रहे हैं, तो इस सिंबल का भी आपको इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ये ले लीजिए और पानी के अंदर डाल के थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, ये मनी के लिए है, तो क्रिएट क्या करेगा, मनी ही क्रिएट करेगा, तो इसको डालिए। एंड देन अगर आपको कोई नंबर मिला हुआ है, सपोज करता 520 नंबर या 808 नंबर आप चेंट करते हैं या 741 मैनिफेस्ट करता है आपकी गोल को, जो भी आपने सोचा है, या मेरे को एक नया घर चाहिए, घर चाहिए इच्छा है, लेकिन यहाँ मनी भी कंसिडर हो रहा है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको घर की प्रॉब्लम है तो घर के लिए आप स्विचवर्ड भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम से आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। 741 741 741 आप नंबर चेंज कर सकते हैं। क्लास को होल्ड करना है, जैसे होल्ड करेंगे वह मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये हो गई टेक्निक। अब वो टेक्निक जो ये कोई भी काम नहीं करना चाहते,
आप लिख सकते हैं, पेपर पे आपको लिखना है, बार बार आप लिखिए। जैसे रिलेशनशिप आप चाहते हैं किसी के साथ अच्छा, तो टुगेदर शब्द का इस्तेमाल कीजिए। टुगेदर 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 7 बार बोला, 1 कंप्लीट, 28 टाइम्स बोलना है, फिर ऐसी टुगेदर, फिर 28 ऐसे करके बोलना है। अब हम बार बार आपसे ये चैंटिंग क्यों करा रहे हैं, क्यों हम आपको ये बोल रहे हैं 7x28 टाइम्स इस तरीके से, या 5x55 टाइम्स 5 बार बोल रहे हैं तो 55 बार आपको बोलना है। टुगेदर 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 1, टुगेदर 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 2, तो ये हमें 55 टाइम्स कंप्लीट करना है। एक्चुअली ये टेक्निक है, क्यों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ऊपर जो दुनिया है ना उसे सिर्फ पॉजिटिविटी समझ में आती है, जो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी ही समझ में आती है, वो नेगेटिविटी के फॉर्म में रुकती नहीं। कभी भी आप कोई चीज कहीं जाते हैं, आप कुछ ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले जो सोल होती है वो पॉजिटिव सोल हमेशा वहां पे कंसिडर होती है, हमेशा पॉजिटिव सोल। जब पॉजिटिव सोल सोचेगी नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं है, या मुझे नहीं बुलाया गया, या मेरे को समझ में नहीं आ रही जगह, तुरंत वहां पे फिर जो नेगेटिव सोल्स होती है वो आना शुरू हो जाती है। तो जो यूनिवर्स है उसे हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज पॉजिटिव पीपल्स ही समझ में आते हैं। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं ये हमको पहुंचाते हैं क्या, हमारे टारगेट्स को, हमारे एम्स को हमें क्लियर करते हैं। अब आपको किसी टारगेट तक पहुंचना है, कोई एम है, तो यहाँ भी एक स्विच वर्ड आता है, जैसे रीच, REACH। जैसे आप रीच बोलते हैं तो यूनिवर्स को समझ में आ जाता है कि रीच मतलब ये पहुंचना चाहता है। अब आपके मन में क्या है, मुझे नई कार चाहिए, या मुझे अपना मतलब पसंदीदा जॉब चाहिए, देन रीच 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 5 बार बोल रहे हैं तो 55 टाइम्स बोलेंगे, 7 बार बोल रहे हैं तो आप 28 टाइम्स बोलेंगे, ये आपके ऊपर है। आप बोलिए सुबह आप बोलना चाहते हैं, शाम को 2 बार 3 बार। आप कुछ लोग धीरे धीरे चुपचाप से बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अपने अंदर रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, आपके अपने तक रहे, ये भी आपके ऊपर है, कोई जरूरत नहीं किसी को कंसिडर करने की, आप अपने आप को कंसिडर कीजिए और अपने तक रखिए। यहाँ पर मैजिकली मैंने देखा है 7 चक्रा वॉन्ड भी काम करती है। जो लोग 7 चक्रा वॉन्ड है वो होल्ड कर लीजिए, देन पानी का ग्लास आपने होल्ड कर लिया, देन आप ग्लास ले लीजिए, देन रीच 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 रीच, मैंने 5 टाइम्स बोला यानी कि मुझे 55 टाइम्स। देन आप लिख सकते हैं, एक बार बोल दिया तो आप पेपर पे लिख लीजिए 1 2 3, क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी, या आप इस तरह से लिखते भी जाइए रीच 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 रीच, यानी कि रीच मुझे पर्टिकुलर, मुझे ये जॉब है मेरे ऑफिस में जो मुझे चाहिए, देन रीच आप सोचिए पर्टिकुलर जॉब चाहिए रीच। जो 7 चक्रा वॉन्ड आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उसको होल्ड भी करे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप जब हाथ में लिए ना तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती है एनर्जीज को। मैंने 7 चक्रा का बहुत मतलब, तो सारी वॉन्ड्स अच्छी होती हैं, पर जो 7 चक्रा का मैंने जो पावर देखी है वो अमेजिंग देखी है। बट ओरिजिनल होनी चाहिए, वो सस्ती मत भी आप ना लें, अच्छी क्वालिटी की वॉन्ड लें, उसको होल्ड कीजिए एंड देन क्रिएट द वाइब्रेशन। टीवी देख रहे हैं आराम से बैठिए, आप ऑफिस में बात कर रहे हैं, होल्ड कर लीजिए, बात कीजिए, वो अपना ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी। ये जो उसका पार्ट होता है, इससे आप ऐसे करके अपनी एरियाज को भी हील कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दिए जो उसका मोटा वाला रखा नीचे वाला जो हिस्सा होता है स्मूथ, देन उसको इस तरीके से हील कीजिए, ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। ये हो गई टेक्निक स्विचवर्ड को इस्तेमाल करने की, पेपर पे लिखकर, धीरे से बोलकर, जोर से, पानी चार्ज कर, फूड चार्ज कर, या शांति से लिखकर, या क्रिस्टल्स जो है उनका इस्तेमाल कर कैसे भी, या जिगू सिंबल्स है उनका इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा आपके ऊपर निर्धारित करता है, जिगू सिंबल्स ये आपके ऊपर। तो इस तरीके से जुड़िए, इस्तेमाल कीजिए और देखिए ये टेक्निक जो मैंने आज आपको बताई है, इसे इस्तेमाल कीजिए, लंबे समय तक कीजिए, पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।